तो वहीं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जानकारी के मुताबिक बाढ़ और बारिश के कारण दो दिनों में आंध्र में 9 और तेलंगाना में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दोनों राज्यों में 140 ट्रेनों को कैंसिल, साथ ही 54 से ज्यादा ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है। बता दें कि एनडीआरएफ की 26 टीमें तैनात की गई है। उफनती नदियों के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया है। वहीं 17,000 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। विजयवाड़ा में 2.67 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित है। कुछ इलाकों में 10 फीट तक पानी है। तेलंगाना में सूर्यपेट, भद्रादी, कोठागुड़ेम, महबूबाबाद जिले बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। खम्मम के 110 गांव पूरी तरह से पानी में डूबे हैं। वहीं तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने बाढ़ की स्थिति पर कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है। मुख्यमंत्री की केंद्र सरकार से बात हुई है, केंद्र ने हर तरह की मदद का आश्वासन दिया है, हम इस समस्या पर काबू पा लेंगे। प्राइम मिनिस्टर